अंतिम तीर्थेश उर्ध्वमान स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। मनुष्य जगत कल्याणी है, ईश्वरज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति भगवत अर्हत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को सम्यक तत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। जिन्होंने बोध दिया है उन्होंने बोधि को प्राप्त किया है। बोध देने की अधिकृत अधिकारी वे हैं जो बोधि को प्राप्त हैं। जिन्होंने बोधि का वेदन नहीं किया वे बोध नहीं दे पाएंगे। उनके दिए गए बोध सब लोगों के मस्तिष्क में व्यर्थ जाएंगे। अनुभव करके जी करके जागृत होकर के जो कहता है उसका वचन सत्य प्रतीत होता है। जिन्होंने स्वयं नहीं जिया दूसरे को जीने की विद्या सिखा रहे हैं उनकी दी गई विद्याएं आदमी को टेसू के फूल के समान दिखाई देती है। किंचुक पुष्प टेसू का फूल देखने में सुंदर दिखता है लेकिन सुगंध नहीं देता। टेसू का फूल दिखता सुंदर है रक्त है लेकिन सुगंध नहीं होती है। ऐसी आचरण विहीन का उपदेश जो है दिखता सुंदर है पर सुभाषित नहीं होता है। जिनके उपदेश में आचरण निहित है जिनके उपदेश में चारित्र निहित है उनके उपदेश सुंदर भी लगते हैं और सुभाषित भी लगते हैं। कुछ लोग इतनी सुंदर भोजन पद्धति को सीखे हुए हैं इतना सुंदर बनाते हैं लेकिन राजेश स्वादिष्ट बिल्कुल भी नहीं होता। वे सफाई करना जानते हैं स्वाद भरना नहीं जानते। कुछ बे लोग होते हैं स्वाद भरना तो जानते हैं परंतु काला करके रख देते। जो जिब्बा को अच्छा लगे वो नेत्रों को अच्छा नहीं लग रहा है, जो नेत्रों को अच्छा लग रहा है वो जिब्बा को अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन कभी ने जब भगवान की पूजा लिखी तो उसने ये लिखा लोचन सुरसना घ्राण। जो लोचन को रसना को घ्राण को उत्साह के करता जो वस्तु नेत्रों को भी सुंदर लगे रस घ्राण को भी सुगंध दे रसना को भी रसित करे ऐसा द्रव्य प्रभु के चरणों में लेके आया है भव्य प्राणी। ऐसे ज्ञानियों जिनका उपदेश लोचन को भी अच्छा लगे रसना को भी अच्छा लगे ज्ञानियों घ्राण को भी अच्छा लगे संपूर्ण अंग अंग को उत्साहित कर दे उसका नाम है जिन प्रवचन। वे जिन देव वर्धमान स्वामी नाथ पुत्र वे जिन देव वर्धमान स्वामी नाथ पुत्र जिनकी सभा में लोचन को भी अच्छी लगती थी जिनकी सभा में सुगंधित पुष्प वाटिकाएं थी सुग्राण को भी अच्छी लगती थी अनेक फलदार वहाँ वनस्पतियाँ थी सुरस रसना को भी अच्छी लगती थी देखने वाले को भी अच्छी लगती थी सुनने वाले के कर्ण आनंदित हो रहे थे। ऐसे प्रभु की समोषण भूमि जहाँ पर आनंद ही आनंद था विश्वास मानिए यदि आपसे कहा जाए सूखे स्थान पर वो ऐसे लोग बिठाए जाएं जो चेहरा एकदम ऐसे कर लें जैसे आज ऊपर जा रहे हूँ
या फिर धनुष बाण चला रहे हो, ऐसा चेहरा किए बैठे हो और जो सभा है वो रो रही हो। मित्र, अब कहना भाई राजेश रंजन एक सुंदर भजन सुनाना। वो कहेगा मित्र मेरे तो प्राण निकल रहे, तुम यहां से मुझे निकाल ले चलो, निकाल ले चलो। वक्ता भी संगीतकार का संगीत भी विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, गीत में दम तभी आती है जब संगीत में दम होना चाहिए। संगीत में दम नहीं है तो गीत में दम नहीं आती है। आपने देखा नन्हे नन्हे बच्चे जो कोई संगीत शास्त्र सीखने नहीं गए, बेबी बाजार में बैंड बजते दिखते ना तो रोड पर नाचने लगते हैं। अरे बच्चे छोड़िए, बूढ़े नाचते हैं। अरे बूढ़े छोड़िए, घोड़े नाचते हैं। ओहो हो, घोड़े नाचते हैं। बाजे की आवाज सुनते ही नचना घोड़े नाचने लगते हैं। ऐसे ज्ञानियों यदि हार्दिक प्रवचन करने बैठे तो ऐसा प्रवचन होना चाहिए कि लोगों के मन मयूर नाचने लग जाए, मन मयूर उत्साह से भर जाए, उमंग से भर जाए। और मित्र मात्र पंचेंद्र नहीं, उपदेश का मतलब मनुष्यों को आनंद आए ऐसा उपदेश मात्र उपदेश नहीं होता, एक इंद्रिय जीव को भी आनंद आए ऐसा उपदेश होना चाहिए। मालूम संगीत के प्रभाव से वनस्पति प्रसन्न होती है। जिस स्थान पर संगीत चल रहा है वो फलदार वृक्ष हैं, पुष्प हैं, सुंदर ध्वनि का उन पर प्रभाव पड़ता है। अब आप कहेंगे कान तो ही नहीं है। अरे मित्र समझिए, शब्द पौद्गलिक हैं और पौद्गलिक शब्दों का प्रभाव कानों तक ही नहीं पड़ता है। ध्यान दीजिए, हमारे यहाँ समय सार संगीत भी है। पार्श्व कीर्ति ने समय सार संगीत नाम का ग्रंथ लिखा है। अब जैसे वक्ता बहुत ऊंची आवाज से बोलता है तो आप बैठे बैठे आपको स्पंदन होता कि नहीं होता। अचानक बादल गरजे, वज्रपात हुआ, आदमी कप जाता है। वहां धक्का किसने मारा आपको? शब्द था। करण इंद्री को ही शब्द ने प्रभावित नहीं किया, सर्वांग को कंपित कर दिया। स्पंदन हुआ है। ऐसे ही एक इंद्री वनस्पति, ध्यान दो, जो अपने घर के बगीचों को भी फल फूल से लता देखना चाहते हैं उन्हें वहां पर भी महामंत्र का पाठ करना चाहिए। श्री मूलाचार्य से मैं बोल रहा हूं। मित्र, जैसे आपने गौशाला में मशीन लगा के रखी है, आपको बोध होना जब आप यहाँ पंचकणक होते हैं, कोई मांगलिक काम होता है, गेट पर प्राचीन काल में मंदिरों पर एक नगाड़ा बजाता रहता था और एक सेनाई बजाता रहता, तो जो सेनाई की धुनी है पूरे क्षेत्र को मंगलमय किए हैं। जहाँ जहाँ तो उसकी आवाज़ जा रही है। आज ये बाजे कि कनफोड़ा यंत्र है, डीजे, हृदय घात हो रहे हैं लोगों के, बुद्धि भ्रष्ट हो रही है लोगों की। इसलिए राजेश, जब मधुर संगीत चला, शहनाई बजी, अंदर अंदर एक गुंजन चल रहा है, आवाज आनंद नहीं दे रही है। जैसे फल इतना बड़ा होता है उसमें स्वाद नहीं है,
फल की आकार को मत देखो, फल के रस में आनंद है। ऐसे ही संचारी भाव, नौ रस अथवा दस रस साहित्य के, तुम वीर रस में बोल रहे हो कि शांत रस में बोल रहे हो कि शोक में जा रहे हो, निर्वेद में जा रहे हो, ग्लानी में जा रहे हो, ग्राण की ओर जा रहे हो, विभाव वक्ता चाहे लाखों लोगों को एक समय में आनंद से भर दे, वक्ता चाहे लाखों करोड़ों जीव को एक समय में प्राण ले ले। जो वनस्पति के ऊपर संगीत का प्रभाव पड़ रहा है, जहां आपने मशीन लगाई नमोकार मंत्र की, अच्छी बात है, लेकिन कहीं मेरी समाधि हो रही हो तो राजेश मशीन मत लगाना। बोले क्यों? मतलब अब आपको इतना भी समय नहीं मिलेगा कि अपने गुरु को नमोकार भी सुना पाओगे, आप मशीन लगा दोगे। और प्रभु के अभिषेक का समय आएगा तो नल की टोंटी में चटक लगा जाओगे और प्रभु का अभिषेक होता रहेगा, तो पूजा कैसे होगी? बोले टैप लगा देंगे, द्रव कैसे चढ़ेंगे? तो आजकल रिमोट का कंट्रोल और वही रोबोट बड़े बड़े काम करके आ जाते, वो खड़ा कर देंगे पुतला। ओहो, तो प्राण निकालने के लिए भी लाओगे किसी को? हे मित्र, हे मित्र, मशीन ध्वनि दे सकता है, मशीन ध्वनि दे सकता है, मशीन आवाज दे सकता है, मशीन शब्द दे सकती है, पर मशीन संवेदनाएं नहीं दे सकती। इसलिए सुब्रत साग जी, मशीन मत लगाना, दया हो तो नमोकार सुना देना, नहीं हो तो खाली छोड़ देना, लेकिन मशीन मत लगाना। बोले क्यों? अंतर समझना, मशीन के जो आवाज़ है, आजकल मंदिरों में नगाड़े आ गए मशीन वाले इलेक्ट्रिक बराबर, उन्हीं की जो ध्वनि है उसे सुनना आप, और फिर जो नगाड़ा एक सामान्य पुरुष बजा रहा है उसकी ध्वनि सुनना, मिठास किसमें है, मिठास किसमें है, मीठी आवाज़ वो लोहे लंगड़ के नगाड़ों में नहीं है, मीठी आवाज तो नगाड़े में ही है। ऐसे ज्ञानियों मशीनों में संवेदना की अनुभूति नहीं है, नमोकार सुनाने वाला संवेदना से भरा होगा, उसके भाव होंगे मित्र मित्र। गर्मी से बच्चे जन्म नहीं ले रहे हैं, मुर्गी के ओज से अंडे में चूजे पल रहे हैं, तापमान मात्र काम नहीं कर रहा है, उसकी मां की आत्मा की अनुभूति भी काम कर रही है। आज की माताएं बच्चों से दूर क्यों हो रही हैं? बच्चे इनकी सुनती नहीं है, बिल्कुल नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इन माताओं ने शीशी का दूध पिलाया है, कठोर मायाचारी का दूध पिलाया है। एक बच्चे को मैंने देखा भी फापाड़ी में, उसके मुख में एक निप्पल डाल दिए, कम से कम पहले जो निप्पले आती थी बच्चों को उसमें मधुर रस भरा रहता था, आज उसमें कुछ भी नहीं था,
शुद्ध झूठी मायाचारी की निपल वो उसके मुख में दे दिए, प्लास्टिक की थी। वो बेचारा चूस रहा है, चुप होगा, चूस रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आज माता पिता रोने की आवाज़ से पीड़ित होकर के बच्चों के साथ छल कपट कर रहे हैं, वो सोचता दूध है और उससे स्वास्थ्य भी खराब होगा बच्चे का, क्योंकि प्लास्टिक तो मुख में दिए घंटों घंटों, रबड़ मुख में दिए हो घंटों घंटों बच्चे के। जब रबड़ के जूते पहनने वालों के जब पैर खराब हो सकते हैं तो मुख में रबड़ बच्चों के मुख में दबी होगी, उसके मुख के अंदर की हालत क्या होगी। मुख में दुर्गंध आने लगती बच्चे की। अब सुनिए, क्यों ये माताओं को अब वही बच्चे आगे देखेंगे? क्योंकि आपने दूध तो पिलाया, पेट तो भरवाया, शीशी के माध्यम से पेट तो भरवाया, पर प्रेम नहीं भर पाई हो माँ, तुमने कठोर शीशी पिलाई थी। ओह, शीशी में दूध तो है, शीशी में दुग्ध तो है, परंतु संवेदनाएं नहीं है। ऐसे राजेश, मशीन में मंत्र तो है, संवेदना शून्य है। बजाने वाला जो सेनाई बजाता है वो अपने सुर भरता है, अलग अनुभूति है। और आजकल मोबाइलों पर सारे संगीत तुम देख सकते हो, लेकिन वो धुनी नहीं है, वो धुनी नहीं है। इसी प्रकार से ज्ञानियों चारित्र विहीन लोगों के मुख से जिन सूत्र तुम सुन सकते हो, लेकिन धाय माँ कभी कभी अपना आंचल भी पिला देती है, धाय माँ अपना आंचल भी पिला देती है, परंतु दुग्ध निकलता है, बच्चा चुप हो जाता है, स्वाद भी आता है, फिर भी धाय के अंदर वो नहीं है मातृभाव जो माँ के पास होता है, लाल मेरा है। दूर मत जाइए। संजय नाइक किसी व्यक्ति के पास, भाई का बेटा पल रहा हो, अपना बेटा पल रहा हो, दोनों को एक जैसी मिठाई लेके आता है,